वो कहते ना कि भाई अगर सच में इरादा करके बैठ जाओ तो क्या कुछ हो जाता है, बजट अच्छा ऑर्गेनाइजर का तो सब कुछ हो जाता है। बढ़िया बढ़िया। किसी वाकया जो मुश्किल हो उसे मुश्किल बनाकर फिर आसान पे लिखिए, और समझना हो जिंदगी क्या है तो शमशान पे लिखिए। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोग दोपहरों से हम तो झूला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। अब इसमें दोनों चीज जस्टिफाई होगा कि इनको मे बी मुंबई जाना है या तो कहीं बड़े शहर जाना है, और ये छोटे शहर से आते हैं। तो देखिए हमारे स्क्रिप्ट के 40 पेज कम हो गए उस गाने की वजह से। सो दैट्स व्हाट गुलजार डज, ही डज मैजिक इन थिंग्स दैट यू कांट इवन एक्सपेक्ट। जियो साउंड पॉडकास्ट में जो 150 कंट्रीज में है और हिंदी लिटरेचर में जिसके सबसे ज्यादा रीच है, वो आज हमारे साथ बैठे। क्या तो सर कैसा लग रहा है वडोदरा में? ऐसा लगता है बहुत दिनों बाद कहीं लौट आए, घर तो नहीं कहूंगा, घर तो बम्बई एक है, पर कई ठिकानों पे जाने के बाद लगता है कि आप कहीं आए नहीं है, कहीं तो लौट आए, कहीं अपनों के बीच, कहीं दोस्तों के बीच। तो बड़ोड़ा आना या ये गुजरात टूर में आना ही कहीं अपनों के पास लौटने जैसा था। तो मुझे लगा है मैं कहीं लौट आया हूँ, वापस आ गया हूँ। अच्छा, चले भी जाओगे अभी तब? हाँ, कैसा फील आएगा? वो कहते ना कि कुछ इस तरफ की आएगी गो, कुछ उस तरफ की आएगी, मेरे साथ तो कुछ धूल सफर की भी आएगी। अभी अंधेरा होगा, कुछ नजर नहीं आएगा, फिर बहुत देर तक याद अपने घर की आएगी। सो घर की याद तो आती है, लेकिन हाँ जाने के बाद भी आपको याद आता रहे कि कैसे लम्हे बीते, क्या अच्छे बीते, उसका मतलब दिन अच्छा गया, तो ये अच्छे दिन तो याद आएंगे। सो मतलब पहला सवाल यही है कि क्या सवाल किया जाए इसको और बेहतरीन बनाने के लिए? ज्यादा कोशिश मत करो कि क्या कमाल किया जाए, बात करते करते ही समझोगे कि क्या सवाल किया जाए। तो जो मन में आए सवाल करो, बस बात करो, बातों से सवाल निकलेगा। मतलब ये पूछना था, जैसे कि आपसे कल आपने मेरे को बताया कि लॉकडाउन में बोल रहे थे कि इतना टाइम मिला है तो आपने क्या लिखा क्या लिखा। हाँ। लेकिन आप बोल रहे कि उसमें नहीं लिखा। हाँ, वो कैसा फेज है? मतलब ऐसे तो टेक्निकली तो अपने को ज्यादा टाइम मिला तो ज्यादा लिखना चाहिए। हाँ, नहीं, यही एक क्लीशेज है जो हमने राइटर्स के साथ एसोसिएट कर दी है कि मैं लगता है कि जो लिखने वाला है वो कहीं एक अपनी जगह बनाकर एक अच्छे एकांत में जाके जहाँ दुनिया से कोई वास्ता नहीं है वहाँ पर वो इतिहास लिखेगा, वहाँ पर लिखेगा। और अब जब लॉकडाउन हो गया है, व्हेन यू गॉट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, तो आपने तो बहुत कुछ लिख दिया होगा। दरअसल ऐसा बात नहीं है, मतलब हमारा सब कुछ जो ऑब्जर्वेशन पे चलता है। बींग अ राइटर, आप जितना दुनिया घूमते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, उतने आपके किरदार बात करते हैं। सो आप नहीं तो आप ले देकर वही चीज़ों पर बार बार लिखेंगे। मैंने लॉकडाउन में छिपकली, दीवार और ये सब चीजों पे जो है कविता लिख दी, लेकिन कितना ही लिखेंगे। अब क्योंकि बाहर की दुनिया से सफर कट गया, तो किससे कट गए बताने के लिए कुछ नया नहीं है, इसलिए लिखा नहीं गया। क्योंकि हम यही भूल जाते हैं कि हमारी जो बातें हैं वो दरअसल वो तजुर्बे हैं जो हम दुनिया से लेते हैं। और जिस दिन आप दुनिया से अपना तजुर्बा काट लेंगे, उस दिन किरदार बात नहीं करेंगे, उस दिन कहानियां उतनी दिलचस्प नहीं होंगी। तो शायद यही हुआ, इसलिए कुछ लिखा नहीं गया ज्यादा। फिर ये मतलब जो लॉकडाउन वाला फेज आया, तो उसमें कैसा हुआ कि बहुत लोगों का लिखना बंद हो गया या फिर बहुत नए लोगों ने स्टार्ट किया, तो पूरा एक सैचुरेशन फेज आया। मतलब अगर हम यूट्यूब पे भी देखें या कहीं पे भी देखें, मतलब जैसे व्यूज या जितनी लोगों तक हमारी कविता या कुछ भी हमारा आर्ट फॉर्म पहुँचना चाहिए वो अभी नहीं पहुँच रहा है। सो मतलब आ गया है या फिर ये रिस्टार्ट हो रहा है इस पर? नहीं, हर एक मैं कहूँगा कि आर्ट का नहीं, आर्ट फॉर्म का सैचुरेशन होता है जिस तरीके से आप कर रहे हैं। तो कविताएं पहले भी थीं, कविताएं कवि मंच सम्मेलन पहले भी होते थे। जब वीडियो कल्चर आया तो कुछ नया हुआ, उसमें जब जियो रेवोल्यूशन आया, जब डेटा लोगों के हाथ में आ गया, दिन का 1 GB तो देखने के लिए क्या था, तो इसलिए पोएट्री वीडियोज उस समय आ गए। तो वो दोनों साथ में ही हुआ, पैरेलल चला कि डेटा भी था और देखने के लिए चीजें भी थी, तो वो चल गया। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कोई भी आर्ट फॉर्म एक सैचुरेशन हिट करता है जब उसके फॉर्मेट क्लीशे हो जाता है कि वही वीडियो, वही गिटार, वही म्यूजिक और ले देखे वही बातें, प्यारिश दोस्ती। मैं नहीं कहूंगा कि प्यारिश पे नहीं लिखा जाना चाहिए, गालिब मीर के जमाने से लिखा हुआ आ गया है और हर जनरेशन अपने हिसाब से बात करेगी, पर यू वुड हैव टू बी मैं हाँ ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा व्यूज हर जगह नहीं है। सारे आर्टिस्ट ने ये एक्सपीरियंस किया कि there are fall in numbers, there are fall in number of views, which will happen time and again.
So you would not have to reinvent the form. You'll have to reinvent how you approach it. So maybe वही बात कहना है पर कोई अलग तरीके से. Maybe आप duet करें, collaborations करें. सिर्फ गिटार ना रख के जो है सितार ले आए, पोएट्री में कोई अलग इंस्ट्रूमेंट ले आए, कोई लाइव म्यूजिक ले आए, कोई लाइव फॉर्म के साथ उसको कंबाइन करने. सो वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. द रिडक्शन इन नंबर टेल्स यू दैट इवन द कंजम्पशन इज सैचुरेटेड. और कैसा हो गया कि अब इंस्टाग्राम रील्स आ गया है. सो हमारा जो कंजम्पशन है डेटा का वो 3 मिनट 1 मिनट से निकल के 30 सेकंड पे आ गया. सो अगर बहुत अच्छी कविता भी आपने लिखी है और अगर वो पहली 30 सेकंड में आपका अटेंशन कैप्चर नहीं कर रही है, सो एज अ व्यूअर आई विल मूव ऑन. पोएट्री की ऑडियंस वैसे ही बहुत नीश है, बहुत सिलेक्टिव है. सो अब क्योंकि वो इंस्टाग्राम ने आपको सिखा दिया कि 15-20 सेकंड में आपको कुछ मजेदार मिल जा रहा है, सो द माइंड इज लुकिंग फॉर बेट कि 15-20 सेकंड 30 सेकंड होगा. और हमारा जो कविता का मीट होता है वो कई बार कहानी का मीट उसके साथ बनता है. आपको उसके साथ वक्त बिताना पड़ेगा कविता के साथ. तो 4 मिनट की कविता है तो पॉसिबली 2 या 2.5 मिनट में आपको उसका रस आने लगेगा. सो वहां वो कंटेंट मारा गया बिकॉज यहाँ पर लोग इतने बोर हो गए थे कि उनको क्विक एंटरटेनमेंट चाहिए था. और इसीलिए कविता से हटके जो है बाकी चीजें ज्यादा चल रही है. जरूरी है कि हम उसको थोड़ा नया करें. जैसे मैंने यूट्यूब में देखा था कि अब कोई भी पोएट्री शो होने से पहले 5 सेकंड वो प्ले करते हैं उस पोएट्री का सबसे जरूरी हिस्सा जो सबसे अच्छा है. एंड देन दे रीस्टार्ट द होल थिंग. दैट टैक्टिक रियली वर्क्ड इन मेनी ऑफ माय वीडियोस. अम्मा की अटैची मेरा एक वीडियो था तो उसमें जो सबसे अच्छी लाइन थी उसकी कि 50 सालों से समेटा 50 सालों का तजुर्बा था, वो उन्होंने एडिट करके पहले डाल दिया. उसके बाद जब वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो वो अचानक से फट गया, वायरल हो गया, मतलब बहुत लोगों के पास पहुंच गया. क्योंकि सबसे अच्छी चीज आप बता देते हो तो यू हैव टू ग्रैब दैट अटेंशन इन फर्स्ट 10 सेकंड्स. और ये पूछना था कि आपकी मैंने मिसिंग पोएट्री सुनी तो मैं और श्याम भाई डिस्कस कर रहे थे, बहुत पहले की बात है, कि आपके जो भी आर्टिस्ट आएंगे लिखने के लिए राइटर्स तो कंटेंट्स बचे ही नहीं है, मतलब सब लोग सब कुछ पे लिख चुके. फिर आपने भी मिसिंग पे लिख दिया तो शायद वो डोमेन खाली था, आपने उस पर भी लिख दिया. तो आने वाले आर्टिस्ट के लिए मतलब ये है कि उनके लिए और टॉपिक्स बचे होंगे. टॉपिक्स बहुत सारे हैं. मतलब जब मैंने मिसिंग लिखा तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी चीज़ पे लिखा हूँ जिस पे लिखा नहीं गया है. मुझे लगा कि इस पे लिखना है, चाहिए. सिमिलरली सारे पोइट्स जो हैं, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे तो मतलब प्यार का लोग लिखना ही छोड़ दें, है ना. लेकिन अगर आप पाकिस्तान के शायर लें, कहीं से भी शायर लें, तो लव इज लव, ब्रेकअप्स इज स्टिल द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट लिसन टू पोइट्री. द कंजम्पशन इज रिलेटिवली हाई. मिसन के अब तक 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए पर प्यार मोहब्बत वाले हो गए. बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमेशा जब आपको अपना नजरिया अलग रखना है, द वे यू अप्रोच योर टॉपिक्स, दैट वुड बी डिफरेंट. सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि समोसा पोएट्री का कोई सेंस होगा क्या. आई जस्ट वांटेड टू राइट अबाउट इट. सो इट्स, कहते ना कि यू हैव टू फाइंड योर मोजो. आपको देखना है कि क्या चीज़ आपको एक्साइट करती है. अब वो दुनिया के लिए क्लीशे ही क्यों ना हो, पर क्योंकि आपको एक्साइट करती है तो आप उसको अलग तरीके से बता देंगे. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या और टॉपिक्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें जिस पर नहीं लिखा गया है. So you'll only get to know this with time. इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना आप यूनिवर्स देखेंगे, जितना आप बाहर निकलेंगे, there are only two ways to explore universe. मतलब याद है आप ट्रैवल करें फिजिकली तो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, अदरवाइज यू हैव टू रीड अ लॉट. That's when you'll realize कि ऐसा भी है. और दूसरा ये कि जो क्रिएटिविटी होती है उसमें मैंने मतलब सोचा ऐसा, तो जैसे अभी मेरे को किसी भी आपके पोएट्स या जितने भी आप लोग जैसे हो, तो मेरे को आपके थॉट्स सोचने हो, मतलब क्रिएटिविटी में जंप हो सकता है क्या कि हम जैसे कोई भी अगर हम पुशअप्स कर रहे तो पहले हम 10 करेंगे 20 करेंगे उसके बाद जाके हम 50 पे पहुंचते हैं. जी जी. तो डायरेक्ट तो ऐसा है नहीं कि हम 10 से 50 पे पहुंच जाए, लेकिन क्रिएटिविटी शायद ऐसा कुछ हो सके कि छोटे दर्जे वाला भी ऊपरी दर्जे वालों का कुछ कनेक्ट कर सके. मेरे ख्याल से इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू रेड बिफोर यू राइट और हाउ मच यू मैच्योर्ड यू आर बिफोर यू राइट. कई मैंने 21-22 साल के राइटर्स देखे जो ऐसी ऐसी बात कह के निकल जाते हैं कि हम सोच में पड़े यार इस उम्र में इसने ऐसा कैसे सोच लिया. सो देन यू रियलाइज कि मे बी माहौल वैसा था या उसके सोचने का तरीका वैसा था. एंड देयर आर सम राइटर्स ऑफ माय एज दैट आई नो 34-35 के रेंज में जो आज भी हल्का ही लिख रहे हैं. अच्छा. मैं भी कई बार हल्का ही लिख रहा हूँ. पूरा पॉडकास्ट ही जो पूरा हल्का है, जो कहीं पोएट्री के फॉर्मेट में बैठता नहीं है. सो यस, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है. कुछ चीज़ें, दो तरीके की मैच्योरिटी होती है. एक तो वो होती है जो वक्त और हालात के साथ आ जाती है. मतलब अचानक से आपकी जिंदगी में कुछ बीता आपके ऊपर, बहुत स्ट्रांग हो गया, दैट्स व्हेन यू गेट मैच्योर. तो मैंने 22 साल की उम्र में शमशान पर कविता लिखी थी. सो समथिंग दैट एट 19 ईयर्स ऑफ एज आई कुडंट इवन थिंक ऑफ. माई पोएट्री एट द एज 19 ईयर्स वॉज अबाउट लव,
ब्रेकअप्स एंड हाउ वर्ल्ड इज नॉट अ गुड प्लेस, वैसे सब चीजें थी। और जहाँ से जब पिताजी चले गए, मैंने एक साल कैंसर की लड़ाई देखी, तो एक मैच्योरिटी थी जो एक फोर्स्ड मैच्योरिटी थी, आ गई थी, इतना सब कुछ देख लिया था। तो तब मैंने शमशान लिखा एंड आई गॉट अ ब्रीफ एंड दैट्स व्हेन पोएट्री जर्नी बिगन, बिकॉज लोगों ने कहा हम सोच नहीं सकते कि 22 साल का लड़का शमशान पे लिख रहा है। सो ये होती फोर्स मैच्योरिटी जो अचानक से हालात से मिल जाती है। एक होती जो लिटरेचर मैच्योरिटी होती है, जो मतलब जो आपको सिर्फ खेलते खेलते आएगी, खेलते ना, कि मतलब मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ कि मैदान में हर प्लेयर जो उतरता है वो जो उसने टीवी में शॉर्ट्स देखे वही लगाता है। वो आप रणजी खेलने के बाद, नेशनल लेवल टीम इंडिया ए अंडर 19 खेलने के बाद आपको पता चलेगा नहीं यार कवर ड्राइव स्ट्रॉन्ग है, हाँ, या मैं स्वीप अच्छा मारता हूँ। सो दैट्स समथिंग दैट इवन यू विल डिस्कवर, वो एनहेंस होता चला, इट्स अ प्रोसेस। आप जिस भी एज में आज हैं वो परफेक्ट है, परफेक्शन इज अ जर्नी, एफर्ट्स आर कंसिस्टेंट, एवरी डे यू बिकम परफेक्ट। आपने आप आज तक जितना किया वो हिसाब से आज आप परफेक्ट हो गए, कल परफेक्शन की परिभाषा कुछ और होगी। सो यू हैव टू, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर 2 साल बाद आपको अपनी आज की लिखी हुई कविता पे हंसी ना आ जाए तो समझिए फिर आप खो गए, फिर आप कुछ कर नहीं है। दैट्स हाउ इट शुड। तो ये मतलब ये पर्सनल सवाल है मेरा आपके, मतलब ये राइमिंग जो था, मतलब एक वो होता है कि अपन पोएट्री लिखे फिर स्टेज पे आए फिर आप राइमिंग तिवारी बने, तो ये जो फ्रेम है कि राइमिंग तिवारी का, वो पहले राइमिंग आया था फिर पोएट्री आया था, या पहले पोएट्री आया था फिर राइमिंग आया था? नहीं, पहले पोएट्री आई थी और फिर कई लोग हमको बोलते, जैसे जो पढ़े लिखे जो ज्यादा जानकार लोग थे, कहते नहीं यार तिवारी मतलब तुम कविता बहुत कम लिखते हो, राइमिंग ही ज्यादा करते हो। और दैट ऑल्सो केम फ्रॉम जब मैंने जब शोज में जाना शुरू किया, बुलावे आने लग गए, सो आई वुड ऑलवेज ऑब्जर्व कि लोग जो हैं कविता से तो रिलेट करते थे, बट दे वुड गेट मोर एक्साइटेड एंड एंगेज जब मैं ऑन द स्पॉट राइम्स करता था, उनके नाम के साथ कर लिया, किसी के साथ कर लिया। सो सब आके बोल सर आप राइम बहुत अच्छा करें, राइम बहुत अच्छा करें। तो मैंने भी सबके इंस्टा नेम्स देखे थे जब मैं इंस्टाग्राम पे आया था, सो किसी ने अल्फाज, एहसास, तरन्नुम, कलाकार, मतलब सब कलाकार जो ये लिया हुआ उपेंद्र, सबने अपने अपने नाम लिए, क्लिशे नाम नहीं लिए थे। उन्हें यार अब इतना हाईली पोएटिक तो मैं हूँ नहीं। सो हमारे जो मेंटर रोशन सर, उन्होंने बोला कि राकेश चूज पिक अ नेम दैट दैट यू वुड बी नोन बाय। सो तो मैंने अपने सारे शोज जो है स्कैन किए कि पीपल लाइक मी फॉर मेकिंग राइम्स एंड इंस्टेंटेनियस राइम्स। सो मैं कहा कि कल को, और कैसे अपने आप को कवि बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती है मुझे, जब आप अच्छे अच्छे कवियों को सुन लेते हैं, जब आप अच्छे अच्छे कवियों को पढ़ लेते हैं, आपने बाबा नागार्जुन से लेकर दिनकर साहब को, दुष्यंत को, पुराने जितने भी हैं, अभी के भी जितने अच्छे अच्छे जो लिख रहे हैं, उनको आप पढ़ने के बाद आप बहुत, आपके अंदर बहुत इग्नोरेंस होना चाहिए अपने आप को पोएट बोलने के लिए, ये सब नहीं, मैं भी पोएट हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक राइमिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं एक ऐसा कलाकार हूँ जो कहानी काफिए में बोलता है। सो आई एम स्टिल नॉट अ पोएट। सो वहीं से राइमिंग आया कि कल को अगर किसी ने बोला भी कि तू पोएट है, मैं कहूँगा नहीं भाई मैं राइमिंग तिवारी, एंड मतलब एक वो एक हिसाब से वो नाम डिस्क्लेमर है कि मैं राइमिंग आर्टिस्ट हूँ, तुमको अगर वो कविता लगती है बहुत अच्छी बात। मतलब यही फेज रहा है, अपने पहले पोएट्री लिखी फिर पूरा रिवाइंड करके ऑब्जर्व किया और उसको फिर यूएसपी बना लिया, उसको बना लिया मैंने। अगर मैं अपनी कुछ भी मैं लिख, ये नेचुरल भी है, अगर मैं स्टोरी भी डालने जाऊं और मैं लिखता हूं कि नहीं यार व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, तो मैं एक लाइन लिख ही नहीं पाऊंगा, बाई डिफॉल्ट आई गो ऑन राइटिंग सेकेंड लाइन एंड दिमाग में फिर लग रहा है कि जो ऊपर लिखा उससे क्या राइम होना चाहिए। सो कहते ना कि जिसको कहते हैं मदर टंग, बोलने की भाषा, तो मेरी सोचने की भाषा राइमिंग है। आपके फेवरेट पोएट कौन से हैं? बहुत सारे यार, देखो कईयों से मैंने सीखा है, कईयों से मैं सीख रहा हूँ। सो अगर फेवरेट फेवरेट इफ लाइक वांट टू पिन पॉइंट समवन, चार पांच मतलब एक को तो नहीं दे सकते, हाँ, तो वो एक होता भी नहीं, होता भी नहीं, इट्स एवरीथिंग यू राइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द राइटर्स दैट यू हैव रेड ऑल द टाइम। सो मेरी जो स्टाइल इन्फ्लुएंस है, परफॉर्मेंस स्टाइल, वो कुमार विश्वास से आती है। मतलब ऑल्दो उनका अलग ही लेवल है, पर मैंने शुरुआत में उनको देखा था परफॉर्म करते वक्त, तो मेरा जो ऑडियंस वर्क है, क्राउड वर्क है, एंगेजमेंट है, वो काफी मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ, हाउ ही होल्ड्स द ऑडियंस टुगेदर। जब बात सिंपलिसिटी एंड डेप्थ की आती है, तो दैट्स जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब ने कई दफ़े मुझे सरप्राइज किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो इटर्निटी ऑफ लाइफ, एंड कितनी सारी चीज़ें जो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में वो कह गए और हम सोचते रहते हैं कि ये क्या कह दिया गया। सो एंड व्हेन इट कम्स टू राइट अबाउट
एब्स्ट्रैक्ट अनबिलीवेबल राइटिंग, यार इस पर भी कौन लिख सकता है, वो गुलजार साहब है, वो सुनने का लगता अरे नमक इश्क का, मतलब देखना आसमां से, उनका गाना था बंटी और बबली का कि देखना आस बादलों के सिरे खुल गए हैं जमीन पे, सो बादल जैसे कोई गस्सी है जिसके सिरे खुल गए हैं जमीन पे, तो बंटी बबली का वो मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा डायरेक्टर का कि गुलजार साहब ने ऐसा गाना लिखा कि बोले हमारे स्क्रिप्ट में से 40 पेज कम हो गए, कि जो बंटी बबली का इंट्रोडक्शन था मैंने हमने प्लान किया था पर उस गाने में सब आ गया कि छोटे छोटे शहरों से खाली बोग दोपहरों से हम तो झूला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। अब इसमें दोनों चीज जस्टिफाई हो गया कि इनको मे बी मुंबई जाना है या तो कोई बड़े शहर जाना है और ये छोटे शहर से आते हैं, तो बोले हमारे स्क्रिप्ट के 40 पेज कम हो गए उस गाने की वजह से। सो दैट्स व्हाट गुलजार डज, ही डज मैजिक इन इन थिंग्स दैट यू कांट इवन एक्सपेक्ट ऑफ। ये कैसे होगा चांद की, चांद पे तो कॉपीराइट है गुलजार साहब का। सो वो देयर आर लाइक 3 or 4 अभी सर्किट में, पोएट्री सर्किट में जब मैं पहली बार आया था ओपन माइक पढ़ने, तो उसमें रमनीक सिंह एक पोएट थे, रमनीक वाज लाइक, एंड आफ्टर आई हर्ड रमनीक इट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस, मुझे लगा मैं यहां से चला जाता हूं, इफ दिस इज द लेवल इज दिस गाइस गेटिंग, मैं इनके सामने कैसे पढ़ूंगा। सो वो एक है गौरव त्रिपाठी है जो बहुत अच्छा लिखते हैं, करंट सर्किट में 2-3 लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं कि नहीं आ गए, गौरव बहुत कम कंटेंट रिलीज करते हैं बट व्हेनेवर ही डज मैजिक। स्टोरी टेलिंग में मोहम्मद सादरी वाला है वो फेवरेट, हाँ, सो उनको देख के मतलब ही वन द स्टोरी स्लैम एंड ही मेड मी बिलीव कि मैं भी कहानी लिख सकता हूँ, मैं स्टोरी टेलर बना मोहम्मद सादरी वाला की वजह से, कि मैं कभी कहानी नहीं लिखता, मुझे उस आदमी को देख के कॉन्फिडेंस आया कि यार ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो दिस आर द इंस्पिरेशन। ठीक है तो फिर अभी खत्म करते हो और आप राइम करते हो तो 3-4 वर्ड देते हैं। अच्छा अच्छा लाइव टेस्ट हो रहा है, लाइव टेस्ट हो रहा है, हाँ जी मस्त। सर राइम करने वाले और सब लोग एक एक वर्ड दे देना, ₹10-10। सो मतलब अभी बोल दे या फिर एक मैं बोलूं फिर राइम करोगे फिर एक वर्ड बोले, ऐसा करना है या ऐसे करो, वन बाय वन लेते हैं। वन तो मेरा शमशान पे, किसी वाकिया जो मुश्किल हो उसे मुश्किल बनाकर फिर आसान पे लिखिए, तो समझना हो जिंदगी क्या है तो शमशान पे लिखिए। मुझे जिंदगी का जो आखिरी सच है वो तुमसे कह कर जाएगी, मौत को बेवफाई नहीं आती, वो जब आएगी तो तुम्हें लेकर जाएगी। श्याम भाई ये कुछ था क्या? नहीं, ये तो आज सुबह से रिलेटेड है कि भाई हम जानते थे कि तुम्हारे साथ ही काफियाबाजी का सफर खत्म हो जाएगा, दावत आज सुबह तुमने दी है, ₹150 पेटीएम हो जाएगा। तो बस ये लास्ट पॉडकास्ट ये एंड करेंगे।